राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। साथ ही हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आप 1 बीघा में 1 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए एक फसल से कमा सकते हो लहसुन की खेती करके। साथ ही अपन जानकारी लेंगे इसकी बुआई है वो कैसे की जाती है, बुआई के लिए ज़मीन है वो कैसे तैयार करनी है, उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, कौन से महीने में इसकी बुआई की जानी चाहिए तथा इसके लिए उपयुक्त कौन सी जलवायु होती है, बीज कितने दिन के अंदर अंकुरित हो जाते हैं, उगने में कितना समय लगता है, पूरी फसल वो कितना समय में तैयार होती है, दवाई कौन सी डाली जाती है, उर्वरक है वो कौन से दिए जाते हैं, रोग एवं कीटनाशक का है वो प्रबंधन कैसे किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, कौन सी फसल अपन उगाए तो ज़्यादा मुनाफा देगी, कौन सी किस्म अपन उगाए तो इसका मुनाफा है वो ज़्यादा होगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अपन लहसुन की खेती के लिए खेत को तैयार करना, मतलब ज़मीन है उसको कैसे तैयार करने। तो लहसुन की खेती करने के लिए किसान पहले खेत की 2 या 3 बार अच्छे से जुताई करा ले, उसके बाद में उसमें अच्छी मात्रा में खाद डाले। 1 हेक्टर खेत में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, पोटास और सल्फर का प्रयोग करें। 100 किलो नाइट्रोजन को आप कई बार खेत में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने डाल दिया, आप इसको टुकड़ों के अंदर डालना है। जैसे पहली बार बुआई कर रहे हैं उस समय आप छिड़क दें, दोबारा बुआई कर रहे हैं उस समय छिड़क दें, तो कम से कम 2-3 बार आप इसकी बुआई करके खेत को है पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं लहसुन की बुआई है वो कैसे करें। तो अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, तो समतल क्यारियाँ बना के है वो भी अपन लहसुन उगा सकते हैं, कि मेड़ों पे मेड़ बना के है वो भी आप अपन लहसुन है वो उगा सकते हैं। तो ये समतल क्यारियों में और मेड़ों पे आप लहसुन की कलियों को रोपित करके इसमें खेत में खेती कर सकते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में समतल क्यारियों और मेड़ों पर इसकी खेती की जाती है। यदि आप समतल क्यारियों में लहसुन की खेती करते हैं तो इसकी कलियाँ 10 सेमी लाइन से 7.8 सेमी का बीच में इनका स्पेस होना चाहिए। वहीं अगर यदि आप मेड़ों पर इसकी फसल उगाना चाहते हैं तो 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बनाई, उसके बीच सिंचाई एवं जल निकलने हेतु 30 सेंटीमीटर की नाली जरूर बनाई। बुआई करते समय मेड़ों में कलियों के बीच में 10 सेमी की दूरी अवश्य है वो रखनी चाहिए, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी आपको ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि इसमें जो लहसुन का वो है बहुत ही मोटा बनेगा। जितना मोटा लहसुन बनेगा उतना ज़्यादा बाज़ार में भाव आपको अच्छा मिलेगा, उसकी डिमांड भी वो अच्छी रहती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए 10 सेंटीमीटर एक दूसरे के बीच में दूरी है रखनी है। अब बात करते हैं कौन सी मिट्टी और जलवायु सही है लहसुन की खेती हेतु। ज़्यादा गर्म जलवायु ठीक नहीं है, उसकी खेती के लिए थोड़ी शीतल जलवायु को बेहतर बताया गया है। मिट्टी का सही चयन भी इस फसल के लिए ज़रूरी है कि लहसुन की खेती में दोमट या फिर चिकनी मिट्टी पर किया जाता है। ये दोनों मिट्टियाँ ही सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है। ध्यान रहे कि दोनों मिट्टियों में जैविक पदार्थ की मात्रा वो अधिक होनी चाहिए, यह लहसुन की खेती के लिए लाभदायक साबित होता है। अगर जैविक पदार्थ की मात्रा कम है तो वो लहसुन आपका मोटा नहीं होगा, तो बाजार भाव वो भी अच्छा नहीं मिलेगा। ये आप अपनी मिट्टी की है वो रिपोर्ट की जांच भी आप करवा सकते हैं। आप ई मित्र पे ले जाइए अपने खेत से मिट्टी इकट्ठा करके, वहाँ से आप अपनी खेती की है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट बन के आ जाएगी, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब लहसुन की खेती के लिए सिंचाई करना है तो लहसुन की फसल के लिए समय पर सिंचाई करना अति आवश्यक है। बुआई के समय यदि खेती में नमी है तो आप बुआई के कुछ देर बाद हल्की सिंचाई कर दें, वहीं अगर खेत में नमी है तो बुआई के 1 सप्ताह तक सिंचाई करना शुरू करें। नमी के अनुसार सिंचाई करते रहिए। जब लहसुन की फसल परिपक्व हो जाए, मतलब कटाई का जब टाइम आ जाए, तो उसे 9-10 दिन पहले सिंचाई है वो आपको बंद कर देनी है। मतलब हमेशा आपको इस फसल के अंदर है वो नमी बना के रखनी, ऐसा नहीं ज़्यादा पानी भर दिया तो ये फसल है वो ख़राब हो जाती है, सिर्फ अपने को नमी बना के इस फसल में रखना है। अब बात करते हैं लहसुन की खेती करें जैविक खाद का इस्तेमाल। लहसुन की अच्छी फसल के लिए अच्छा खाद होना बहुत ही ज़रूरी है। आप जैविक खाद से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 1 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती कर रहे हैं तो मिट्टी में जल संरक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए बुआई से 10 से 15 दिन पहले 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद है वो आपको अच्छी तरीके से मिला देना है। उसके अलावा 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 65 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 से 90 किलो पोटास है वो इसके अंदर मिला दें, और इनको अच्छे से मिलाने के बाद में इस खेती की बुआई कर दें, ताकि ये जितना भी खाद अपन मिला रहे हैं वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए। जितना अच्छे से मिलेगा उतनी फसल है अपनी अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो ये था जैविक खाद, जिस अपन अगर खेती के अंदर डालते हैं तो अपने को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, इसका उत्पादन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिश करें आप भी जैविक खाद से ही अपनी लहसुन की खेती है वो करें, ताकि आपको मुनाफा है वो अधिक मिल सके। अब लहसुन के पौधों की देखभाल कैसे करें।
लहसुन की देखभाल ज़रूरत के हिसाब से खाद का और घास का इस्तेमाल करें। अगर आप लहसुन की टहली को पीला होते या टेढ़ा होते हुए देखें तो खाद और दवाई की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। लहसुन के खेत में सही मात्रा में घास रखें, न ही कम न ही ज़्यादा, ताकि इसे और किसी पौधे में पौष्टिक तत्व और पानी लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब ध्यान रखना है आपको इस मतलब खेती के अंदर, लहसुन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको पूरा खरपतवार है वो बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें कुछ घास रहेगा तो पौधों के अंदर नमी बनी रहेगी। जैसे धूप वगैरह ज़्यादा गिर रही है तो नमी को कंट्रोल कर लेता है, पानी वगैरह ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो आपको घास है वो निकालना है, लेकिन लिमिट के निकालना है। ऐसे नहीं कि आप पूरा खरपतवार है वो उठा के इसकी खेती कर रहे हैं। हाँ, बेस्ट यही रहेगा कि आप प्लास्टिक मल्च लगा के वो अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें लहसुन है वो बहुत ही मोटा होएगा तो इसका बाज़ार भाव है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, तो आपको मुनाफा भी है वो बहुत ज़्यादा होएगा। तो ये है लहसुन के पौधे की देखभाल है वो कैसे करें। अब बात करते हैं लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए क्या करें। अच्छी पैदावार आए इसके लिए अपने को क्या करना है। असल में लहसुन की खेती के लिए न अधिक गर्मी के मौसम की ज़रूरत है, न ही अधिक ठंडे मौसम की ज़रूरत है। ऐसे में अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के महीने में आप लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। मतलब अभी जो सही टाइम चल रहा है वो सही है, आप इस समय लहसुन की खेती है उसको उगा सकते हैं। इस मौसम में लहसुन का कंद निर्माण बेहतर होता है, इसकी खेत के लिए दोमट मिट्टी है वो अच्छी रहती है। तो यही सही टाइम है लहसुन की खेती है वो करने का। अगर आपने अभी तक लहसुन की खेती नहीं की है और आप किसी प्रकार की खेती करना चाह रहे हैं तो एक बार मैं कहूँगा कि लहसुन की खेती ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा रहता है और इसका बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है। इसकी पैदावार है वो भी बहुत ही अच्छा होता है और ये सही समय पर ये फसल हो जाती है। इसमें न ज़्यादा कीटाणु लगता है, ना कोई और होता है, ना किसी प्रकार का है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ये फसल कम्प्लीट होकर आ जाती है आपको इसको लगभग एक महीने के अंदर निकाल देना, क्योंकि फिर ये फसलें खराब होने लग जाती है। अब एक बीघा में लहसुन कितना हो सकता है। एक बीघा में करीब 8 क्विंटल है वो लहसुन का उत्पादन होता है। इसके अलावा खेत के किनारे किनारे बीच में हरे धनिया है, मूली है, गाजर है, चकुंदर है, शलजम है, आदि सभी प्रकार की फसलें या सब्जी वगैरह है आप उगा सकते हैं। मतलब खेत के बीच में जो क्यारियाँ बनाए, क्यारियों के बीच में आपने लहसुन बो दिया, जो मेड या डोली वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर आप मूली धनिया वगैरह है वो उगा सकते हैं, तो इससे अच्छा आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो साथ साथ मिलता रहेगा। अब एक एकड़ में कितना लहसुन पैदा होता है। एक एकड़ में तकरीबन 40 से 45 क्विंटल लहसुन है वो उत्पादन होता है। और लहसुन के साथ ही लहसुन के भाव भी बड़े अच्छे मिलते हैं। मतलब क्या है, एक अगर एकड़ के अंदर आप ये खेती कर रहे हैं तो आपको 40 से 50 क्विंटल लहसुन है वो आराम से मिल जाएगा और इसके बाज़ार भाव में वो अच्छे मिल जाएंगे। मतलब 100 रुपये से ऊपर हर समय इसके बाज़ार भाव रहते हैं, 100 रुपये से कम किसी भी समय नहीं आता। अब बात करते हैं लहसुन की सबसे अच्छी किस्म कौन कौन सी है। लहसुन की 4 टॉप वेराइटी है यहाँ पर दी गई है। यमुना सफ़ेद 1 है, G1 के नाम से जानी जाती है। यमुना सफ़ेद 2 है, जो G50 के नाम से जानी जाती है। यमुना सफ़ेद 3 है, जो G282 के नाम से जानी जाती है। यमुना सफ़ेद 4 G323 के नाम से है वो जानी जाती है। ये 4 टॉप वेराइटी है। एक यमुना सफ़ेद 5 भी आती है। ये 5वीं टॉप वेराइटी है। आप इसमें से किसी भी वेराइटी के लहसुन है उसकी खेती कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। इसका वो पौधा है बहुत ही बड़ा होता है और जो लहसुन लगता है उसकी मतलब बहुत मोटा हो जाता है ज़मीन के अंदर। इसकी पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसका टाइम लगभग ये 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरी फसल वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको अच्छा मुनाफा आप इससे ले सकते हैं। ये लहसुन की टॉप 4 वेरायटी यहाँ पर दी गई है। इसमें से जिस भी वेरायटी को आप उगाना चाहें वो उगाए, सभी बहुत ही अच्छी वेरायटी हैं। ये हमने छांट के और सेलेक्ट की हुई और हमारी उपाय मतलब उपयोग की हुई वेरायटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। लहसुन की फसल कितने दिन के अंदर होती है। यह फसल 180 से 90 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में इसकी औसत पैदावार है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। समतल क्षेत्र में जी इसकी 36 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। मतलब लहसुन की फसल है ये मतलब 6 महीने के अंदर पूरी पक के तैयार हो जाती है। 6 महीने बाद में आप इसको काट सकते हैं। इसमें काफ़ी लंबा टाइम लेता है तो इसके लिए आपको साइड के अंदर जो आप मेड वगैरह बनाते हैं उस पर धनिया है, पुदीना है, गाजर है, मूली है, शलजम है, चकुंदर है, आदि अन्य प्रकार की सब्जी वाली फसल है वो उगा सकते हैं, ताकि आपको साइड प्रॉफिट होता रहे। इस फसल में थोड़ा सा लंबा टाइम खींचता है, लेकिन ये उसका उत्पादन है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब देखा जाए तो 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हो रहा, तो ये बहुत ज़्यादा है एक देखा जाए, और ये बहुत ही अच्छा मुनाफा भी देता है। इसका बाज़ार भाव है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है।
अब बात करते हैं लहसुन की खेती में से शानदार कमाई। यदि हम एक बीघा जमीन के अंदर लहसुन की खेती करते हैं तो आपको 7 से 8 क्विंटल है वो लहसुन का उत्पादन आराम से हो सकता है। मंडी में लहसुन का भाव है 100-150 रुपये किलो, आराम से मिल जाता है। हर समय लगभग 100 से 150 के किलो के आसपास रहता है। तो आप 90 से 95 हज़ार रुपये की कमाई है वो 1 बीघा खेती से कर सकते हैं लहसुन की खेती करके। अगर आपने 2-4 बीघा करी है तो आप आराम से 5-6 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। अगर 1 एकड़ में आपने जब ये किया है तो भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कोशिश करें आप लहसुन की खेती के साथ साथ साइड में जैसे चकुंदर है, शलजम है, केल है, अपना धनिया है आदि अलग अलग छोटे छोटे पौधे जैसे गाजर है, मूली है, इनको जरूर मेड़ पे लगाए ताकि आपको साइड इनकम सोर्स है वो बना रहे, बाजार में आपका माल है वो जाता रहे, आपको थोड़ा 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 मुनाफा होता रहे। और इसमें सेल में टाइम लगता है आपको, तकरीबन 6 महीना लगता है, लेकिन वो जो छोटी छोटी फसल आप उगाएंगे उसके साथ में जैसे शलजम है, मूली है, गाजर है, ये 3 महीने के अंदर अंदर ये फसल आ जाती है तो इसका अच्छा मुनाफा बाजार से आप है वो ले सकते हैं। ना इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है, ना अलग से पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई अलग से आपको एक्स्ट्रा खर्चा है वो नहीं देना होगा। जो खाद वगैरह की बीज वगैरह इसमें डालने हैं वो वहाँ पे डालने हैं, उसी में सारे आपको ये डबल प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। तो ये तरीका था कि आप लहसुन की खेती करके 6 महीने के अंदर लाखों रुपए 1 बीघा से आप कमा सकते हैं आसानी से। आज के इस वीडियो में हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है कि लहसुन की बुआई कैसे करनी है, कौन सी ज़मीन को कैसे तैयार करना है, कौन सी उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी जलवायु उपयुक्त है, बीज कितने दिन में अंकुरित होते हैं, कितना समय लगता है, दवाई कौन सी दी जाए, कौन सी बढ़िया किस्म आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।